अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया? अरे अरे, इसका तो पूरा देह फाड़ दिया है, देख रहे हैं, पूरा देह इसका फाड़ दिया है। यहाँ से तो ठीक से दिख भी नहीं रहा होगा, दिख रहा है? हाँ, कुत्ता सब हमला किया था। देख रहे हैं, पाइप फटने का यही नुकसान सब होता है। अभी तक मेरा पूरा तोरी पट गया रहता है, पर तोरी तो पट ही रहा है, उसके साथ साथ लीची भी पट रहा है। देख रहे हैं, पूरा लीची का ये जो बगान है, ये भी आधा पट के रेडी है। लेकिन चलिए, कोई नहीं, ये भी अपना ही है। अगर पाइप अगर ठीक रहता ना, तो अभी तक पूरा तोरी पट गया रहता। चलिए दिखाते हैं तोरी का क्या कंडीशन। तोरी का कंडीशन देख लीजिए, यही है तोरी सब। इस साइड तो थोड़ा बहुत है भी, और इस साइड तो बिल्कुल नहीं था, इसीलिए आज पानी पटवा दिए हैं, समझे? पानी पटा रहे हैं, सुबह से इसी काम में लगे हुए हैं। और देखिए, हमारे ही पानी से इनका भी गेहूँ पट गया, बताइए। अब इनको पटाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, नहीं तो इतना ही खेत पटाने में इनको कम से कम 1,000 खर्चा करना पड़ता। बात है कि पीछे पाइप फट गया था, और यहाँ पे आरी फट गया था, मतलब सब फट ही गया हुआ है, समझे? यहीं से फट गया था, तो अभी ठीक ठाक किए हैं, तो अब खेत में इधर पानी जा रहा है। टाइम लगेगा, दिन भर टाइम लगेगा, लेकिन पट जाएगा। चलिए, तो आज का दिन भी खेती बाड़ी के नाम हो गया, आज कैसे भी करके खेत पटा लेना है, समझे? और एक दो दिन में बाहर भी निकलना है, समझे? और जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ हो ही गया है, मान के चलिए लगभग लगभग कंप्लीट है वो चीज़। तो कर क्या रहे हैं कि सुबह से ऊख खा रहे हैं, समझे? ऊख खा रहे हैं और खेत पटा रहे हैं। ऊख खाना चाहिए, जानते हैं, ऊख ऊख में जो है ना, ग्लूकोज होता है, समझे? और ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, तो सुबह सुबह अगर खाली पेट में ऊख खाइएगा ना, तो बहुत सही रहेगा, समझे? बहुत साल के बाद, 4-5 साल के बाद, इस साल हम 4-5 ऊख अभी तक खा लिए हैं, 4-5 दिन में 4-5 ऊख खा लिए हैं, ठीक है? बाल कटवा लिया जाए क्या? जाने से पहले बाल कटवा लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सस्ता में कट जाएगा, नहीं तो बाहर जाएंगे फिर तो वहाँ पे बहुत रुपए लेता है, बहुत महंगा हो जाता है। देखते हैं, टाइम मिलेगा तो बाल भी कटवा लिया जाएगा, तब तक यहीं पे खेत उत पटाते हैं, टाइम मिलेगा तो जाएंगे फिर। बारे बा, बारे बा, बारे बा, ये साला कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया? अरे अरे, इसका तो पूरा देह फाड़ दिया है, देख रहे हैं, पूरा देह इसका फाड़ दिया है। यहाँ से तो ठीक से दिख भी नहीं रहा होगा, दिख रहा है? हाँ, कुत्ता सब हमला किया था इस पर, पूरा देह फाड़ दिया है इसका। आज जब दिन में गए थे बाल कटवाने, तो हम उससे पूछे हैं कि भाई ठीक लग रहा है तो रहने दो, नहीं ठीक लग रहा है तो काट दो। तो हमको बोला है कि इसे ठीक तो लग रहा है, फिर भी कैंची उंची लगा दिया है यहाँ यहाँ, और रुपया ले लिया है, बताइए। लेकिन चलिए, कोई नहीं, घर से तो गाली बात सुनबे किए हैं कि कौन हिसाब से केस कटवाया। सही में मतलब देखिए, सबको, घर के लोगों को ख़राब लगता है और बाहर के लोगों को अच्छा लगता है, समझे कि नहीं? और चलिए छोड़िए, बात सब ठीक नहीं है, बात यह है इम्पोर्टेंट कि अभी जा रहे हैं मंदिर में गाना रखने, ठीक है? क्योंकि कल चले जाना है, तो जाने से पहले गाना उना डाल देते हैं, नहीं तो चले जाएंगे तो सब बड़ा गरी आएगा हमको। कि क्या है कि देखिए, अभी भलना चेंज किए थे छठ के बाद, ठीक है? एक तो छठ में चेंज किए थे, और दूसरा छठ के बाद चेंज किए थे। अब भी फिर किसी को पसंद नहीं है भगवत कथा, भगवत गीता किसी को पसंद नहीं आ रहा है, अब बताइए अब क्या करें? अब न राम जी का गाना, न दुर्गा जी का, न हनुमान जी का, न कृष्ण जी का, किसी का गाना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, बताइए अब क्या करें? लेकिन कोई नहीं, सब कहा है चेंज करने के लिए, तो जाते हैं, रख देते हैं, चेंज किए हैं, पूरा MB ख़त्म हो गया उसी में, वीडियो वीडियो अपलोड करने के लिए भी नहीं है, डाल देते हैं फिर अपना चले जाएंगे कल। चलिए, लगाइए तो फटाफट, गाना बजाइए तो टाइट से। हाँ, देख कौन गाना बजा, नेक्स्ट कीजिए, चेंज कीजिए, चेंज कीजिए। चेंज कर दीजिए। जा, क्या हो रहा है? निकालिए निकालिए, फिर से लगाते हैं। अब ठीक से हो ना बजाइए। कभी कभी होता है थोड़ा, मतलब गड़बड़ा जाता है कभी कभी, जब आदमी गड़बड़ा जाता है तो नहीं, तो मशीन है। अब चलने दीजिए, बजने दीजिए ना, नॉन स्टॉप। अब चलिए।